नमस्कार, SS News 24 में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आज के मुख्य समाचार। भारतीय जनता पार्टी नेताओं जो आज सत्ता में बैठे हुए हैं, अमित शाह जी का नाम मैं बार बार इसलिए लेता हूं, वो फोर फ्रंट पे वही आते हैं, कर्नाटक के लिए भी या मध्य प्रदेश के लिए भी, गोवा हो, मणिपुर हो, अरुणाचल प्रदेश हो, सब जगह वही आते हैं। तो मजबूरी में कहना पड़ता, अमित शाह जी आपको क्या हो गया, आप रात दिन जागते हुए सोते हुए हर वक्त आप सोचते हो कि किस प्रकार मैं गवर्नमेंट को घिराऊं। अब चुनी हुई सरकार अगर इस प्रकार घिरने लगेगी तो देश में डेमोक्रेसी कहाँ बचेगी। ये डेमोक्रेसी बचाने का अभियान हम चला रहे हैं पूरे देश के अंदर। डेमोक्रेसी बचे, पार्टियाँ आएगी जाएगी, सरकार बनेगी जाएगी, व्यक्ति आएंगे जाएंगे, परंतु डेमोक्रेसी नहीं रहेगी तो क्या होगा मुल्क का, क्या होगा लोगों का। 130 करोड़ की आबादी का मुल्क है, 76 साल तक कांग्रेस ने, जहाँ इंदिरा गांधी की जान चली गई, राजीव गांधी शहीद हो गए, बहन सिंह जी शहीद हो गए, हमारे मुख्यमंत्री पंजाब के, डेमोक्रेसी को मजबूत रखा, देश एक रहा, अखंड रहा। पाकिस्तान की तरह बार बार यहाँ पर सैनिकों का शासन नहीं हुआ। उस मुल्क में आज डेमोक्रेसी की जो हत्या हो रही है उसकी चिंता हम सबको है। आज हमारे विधायक बैठे हुए थे, यदि परसों राज्यपाल महोदय का आदेश जारी हुआ और कहाँ कहाँ जरीफ आने लग गए उनके पास, हमारे विधायकों को, खुद को, उनके परिवार वालों को, उनके मिलने वालों को धमकी भरे भी। आप सबको, आप पूरे पूरे मुल्क को राजस्थान का घटनाक्रम मालूम है। अनफॉर्चुनेटली जिस प्रकार से जो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने जिस रूप में इस खेल को खेला गया है, हमारी पार्टी के हमारे साथियों को जिस प्रकार से षडयंत्र करके उनको लिया गया मानेश्वर में, गुड़गांव में होटलों में रिसोर्ट रखा गया है, माहौल ऐसा बन गया पूरे कंट्री के अंदर।